अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, हमने 9.4 तक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी। 9.4 के मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करने थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी बेटा, उसमें हमने पढ़ी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास वो इक्वल आ जाता था, तो हम कहते थे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी, पहला काम आपने ये करना है, आपने एम और एन सेलेक्ट करने के बाद कर्ली एम ओवर कर्ली वाई फाइंड करना है, मतलब एम का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फिर आपने उसको किस तरह सॉल्व करना था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके वो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो होगी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में तो हो लेकिन वो नॉन एग्जैक्ट कब होगी, जब इनके डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे। अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जानी है फिर हमने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी 9.5 है। हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास m और n के डेरिवेटिव्स उनके रिस्पेक्टिव y और x के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लेने से इक्वल नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हमारा ये इक्वल नहीं आना तो फिर हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। वो फैक्टर हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड करना है, जब इसका आंसर आ जाना है फिर उसको हमने क्वेश्चन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो हमने याद रखने हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के चार तरीके हैं। अब हमारे पास क्या है, ये रूल्स हैं इंटीग्रेशन के जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन इस टाइप की होगी ना कि dx और dy अलग, अगर नहीं है तो फिर हमने कर लेने हैं, dx के साथ m है और dy के साथ n है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट आ गया है कि मतलब हमने डेरिवेटिव्स लिए हैं वो आपस में इक्वल नहीं आए, तो फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के चार मेथड हैं। पहला, अगर तो हम इन चारों में से कोई एक लगेगा, ठीक है, इन चारों में से कोई एक लगेगा, बस हमने ये डिसाइड करना है क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। अब हमारे पास पहला है एम वाई, एम वाई का मतलब है कि जो एम का डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, माइनस एन एक्स, इस एन एक्स का मतलब है एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने लिया था वो पुट करना है, और नीचे जो एन लिखा है ये हमारे पास जो क्वेश्चन में डी वाई के साथ एन होगा जिसका अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया होगा, ये वो वाला एन। इनका जो भी इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा उसको मैंने पी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हमने ई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बना है, ई की पावर में, ये इंटीग्रेशन मतलब इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आना है ई की पावर में हमने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, वेयर उसने भी पी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एक्स अलोन। अब हमारे पास क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये दो किस्म के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, अगर तो m पहले है n बाद में, जो बाद वाला फंक्शन है वो ही नीचे है, अगर n है तो नीचे n आएगा, बाद में m है तो नीचे m आएगा। अगर ये वाला सॉल्व किया तो इसका आंसर हमने इसको अलग अलग डिनोट करने के लिए इसको p से डिनोट कर दिया है, इसको q से डिनोट कर दिया है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन। अब हमने करनी है इसका जो आंसर आया है q उसकी विद रिस्पेक्ट टू y, जब p आना है यानी कि जब हमारे पास m y माइनस n x डिवाइडेड बाय n है उसका आंसर p है, और जब m m बाद में है और n पहले है उसका आंसर q से हमने डिनोट किया हुआ है,
जब हमने पी वाला आना है यानी कि जब ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो फिर डीएक्स उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, और जो इसका आंसर आना है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो इसलिए क्योंकि आप नोट करना जब आप क्वेश्चंस करोगे तो जो पी वाला आंसर आएगा ना, जो इनको सॉल्व करने से आएगा वो हमारा एक्स की फॉर्म में आएगा, और जो इस तरह के इंटीग्रेशन फैक्टर को सॉल्व करने से आएगा वो क्यू की, वो जो है वाई की फॉर्म में आएगा, इसलिए उसको डी वाई के रिस्पेक्ट, मतलब आपने इंटीग्रेशन के अंदर देख लेना कौन सा फंक्शन, एक्स का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, वाई का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देना है। अब थर्ड है ये, अगर हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका आपको पता है पिछले लेक्चर्स में हम होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं, अगर होमोजीनियस है तो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या आएगा, वन ओवर में आ जाएगा एक्स एम प्लस वाई एन। ठीक है, ये अब एम और एन जो है वो सिंपल है, डेरिवेटिव लेने से पहले जो आए थे ये वो है। और फोर्थ वन सिचुएशन जस्ट क्या है, अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होगी कि वाई मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन है उसमें एक्स वाला वेरिएबल भी है और वाई भी है, अगर तो डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन है उसमें से वाई कॉमन आ रहा है और डी वाई के साथ जो भी फंक्शन है उसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, अगर तो इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जस्ट थ्री और फोर सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि उधर एक्स एम प्लस वाई एन है और इधर एक्स एम माइनस वाई एन है। 9.5 स्टार्ट करने से पहले ये मेन डिस्कशन है जो मैंने आपके साथ की है कि अगर तो इक्वेशन जो है वो नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो फिर हमने क्या करना होता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड करना है वो ये चार तरीके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के। अब हमने क्वेश्चन को देखते हुए इन चारों में से एक तरीका लगाना है, अब कौन सा लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों में से आपने चेक कर लेना है कि आपको मैक्सिमम जो है वो ये दो तरीके लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, तो ठीक है वो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में से आपने जब कोई एक लगाना है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी, तो इन दोनों में से कोई एक, अब कौन सा लगाना है वो आपने देख लेना है, किससे हमारा जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इजीली फाइंड हो रहा है, जो इंटीग्रेशन ई के ऊपर हमने करनी है जो इजीली नेचुरल लॉग में बन जाए। ठीक है, और अगर तो क्वेश्चन होमोजीनियस है तो फिर ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर फंक्शन जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह का गिवन है कि एफ ऑफ एक्स, ये जो डी एक्स के साथ फंक्शन है उसमें से वाई कॉमन आ रहा है और जो जी वाला यानी कि डी वाई के साथ फंक्शन है उसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, फिर आप ये वाला इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो लगाएंगे। ठीक है, मेन काम हमारा नॉन एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। ये चार तरीके हैं जिसमें से कोई एक हमने लगाना होता है क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। जो 9.5 है इसके भी हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी, कुछ हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ये भी आप कुछ फॉर्मूले देख लें, ये भी यूज होंगे। आपको पता है कि ये जो है हमारा फंक्शन, कि अगर पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ एक्स वाई को, तो इस पे वही लगता है ना हमारा प्रोडक्ट वाला फार्मूला कि x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव dx और y एज इट इज, यही चीज बनती है ना। तो उसने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो आप जो क्वेश्चंस में यूज होने हैं डायरेक्ट, कि अगर ये वाली चीज लिखी होगी तो हम उसको डायरेक्ट d into xy के इक्वल लिख देंगे। अब ये d का मतलब यहां पे डेरिवेटिव है, d into y over x का मतलब है कि आपने y over x का डेरिवेटिव लेना है। अब y over x है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो फिर हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, क्वोशन रूल। तो देखो ये क्वोशन रूल लगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। मतलब कहीं भी अगर ये वाली चीज लिखी हो तो हम उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में यूज होनी है ये चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कहीं भी इस तरह की कोई चीज लिखी हो तो उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे डी से मतलब डेरिवेटिव है, उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस के आपको डेरिवेटिव लेके दिखा दिए। टेन इनवर्स वाई एक्स है, ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव हमने लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इस चीज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
कैसे आएगा? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और आगे एक्स का डेरिवेटिव। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है, फिर मैं वहां आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि ये इसका डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल किस तरह है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीजें जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। 9.5 स्टार्ट करते हैं। ये है 9.5। 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये लिखा आ जाएगा ना जब यहाँ पे कि आपने सॉल्व करना है बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब नॉन एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। हमने क्या करना है, डीएक्स के साथ जो ये फंक्शन लिखा है ये एम है, डीवाई के साथ जो लिखा है वो क्या है एन है। एम का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y जो आपको लेना आता है, फिर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों के आंसर बराबर नहीं आए हैं, इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, ये नॉन एग्जैक्ट है। अगर नॉन एग्जैक्ट है तो हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के चार मेथड हैं, उन चारों में से आपने देखना है कि कौन सा मेथड लगना है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये वाली चीज जो है ये वाला फैक्टर, इससे हमने फैक्टर निकालना है एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जो एम वाई है वो है एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो एन एक्स है उसका मतलब है एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आपने इसको पुट करना है, पुट करके सिंप्लीफाई किया है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास आंसर आया है माइनस टू ओवर वाई। सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये आंसर आ जाना है हमारा। ये जो माइनस है ना, ये नीचे माइनस, ये ऊपर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये हर टर्म माइनस में आ गई। ठीक है, फिर हमने कॉमन लेके काट लिया, माइनस टू ओवर वाई। फिर हमने क्या कहा था कि जो भी यहाँ पे आना है, अब ये हमारे पास n माइनस एम ओवर एम है, यहाँ पे y वाला फंक्शन आ गया, तो हमने e की पावर में इसको इंटीग्रेशन कर देनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें पता है माइनस टू बाहर और वन ओवर y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, वन ओवर y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y। अब लॉग की प्रॉपर्टी है माइनस टू स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और नेचुरल लॉग जो है वो e से कैंसिल हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। माइनस टू स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग e से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ y की पावर माइनस टू, जो कि किसके इक्वल होती है, वन ओवर y स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इसको क्वेश्चन के दोनों तरफ, मतलब तो पूरे क्वेश्चन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपने क्या करना है, उसको dx के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और dy के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप dx और dy के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया है ना, dx के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है और dy के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है जस्ट कि क्या किया है, ये जब 1 ओवर y अंदर आएगा, ये y स्क्वायर से कैंसिल होगा, जस्ट x बचा, ये अंदर 1 ओवर y बचा। ठीक है, एक y से कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमारे पास ये जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जानी है। फिर क्या होगा, dx के साथ जो फंक्शन है वो m होगा, dy के साथ जो है वो n। सेम उसी तरह m को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखना दोनों आंसर बराबर आएंगे। अब इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है, तो अब आप 9.4 बन गई है, ये यूं आप समझ लें कि 9.4 बन गई है। आपने सेम उसी तरह फिर इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, 9.5 के जो हैं, अब आपने प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, मेन काम इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है कि वो कैसे निकालना है, वो आपको समझ लग गई है वो कैसे निकालना है। तो बस आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उस फैक्टर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके फिर जब आप वैसे ही एम एन डिसाइड करते हुए डेरिवेटिव लोगे तो वो अब सेम आएंगे। अब जो नॉन एग्जैक्ट थी वो एग्जैक्ट बन गई है और आपने 9.4 की तरह इसको आगे सॉल्व कर लेना है। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में इसको कुछ एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। दैट्स ऑल।